जब भी हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, तब हमारे माइंड में ये आता है कि इसको तो किस्मत ने साथ दिया होगा, ये तो बहुत लकी है, इसके पापा तो बहुत अमीर थे इसीलिए इसने कुछ बड़ा किया है, मेरे पास तो पैसे है नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारे बहाने आपके इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। किलियन एम्बापे फुटबॉल का एक सफल खिलाड़ी। किसी इंसान की औकात का अंदाजा उसके चेहरे या पैसों से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके पागलपन से लगाया जाता है। तुम्हारा कल क्या होगा ये आज डिसाइड करेगा कि तुम आज क्या कर रहे हो। दोस्तों, किलियन एम्बापे के पास फुटबॉल खेलने के लिए जूते तक नहीं होते थे, वे उनके फादर के जूते पहनकर फुटबॉल खेला करते थे। जूते के साइज इतने बड़े होते थे कि वे उसे पहन ही नहीं सकते थे, एक कपड़ा लेके एक्स्ट्रा जगह को फिल कर देते थे और फिर उसे पहनकर दिन रात मेहनत करते थे। दोस्तों, एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1998 को पेरिस में हुआ और उनकी परवरिश पेरिस से 10 किलोमीटर दूर बॉन्डी में हुई। बॉन्डी एक शहर का नाम है, ये वही जगह है जो एक बार हिंसा और दंगों से पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। 2005 में हुई हिंसा में कई घर जल गए और ये सब कुछ उसी जगह के आसपास हुआ जहां एम्बापे के माता पिता का घर था। बचपन में खून खराबा देखकर एम्बापे दहले तो जरूर थे, मगर अपने लक्ष्य से भटके नहीं। रात को सोते वक्त तकिए की जगह ये फुटबॉल के ऊपर सोते थे। वे फुटबॉल को लेकर इतना पागल थे ना कि वे इसके लिए सब कुछ कर सकते थे। एम्बापे सबसे कम उम्र में फुटबॉलर बने हैं, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल लेवल खेलना शुरू कर दिया था। एम्बापे अपने कमरे में रोनाल्डो के फोटो लगाते रहते थे क्योंकि वे उनके बहुत ही बड़े फैन थे, और सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपने माँ से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोनाल्डो से मिलकर रहूंगा। और आज वे सिर्फ रोनाल्डो से मिले नहीं है बल्कि रोनाल्डो के साथ खेलकर रोनाल्डो को हराया तक है। किसी बंदे की औकात क्या होगी इसके चेहरे या पैसों से नहीं लगाई जाती बल्कि उसके पागलपन से लगाई जाती। इस बंदे ने छोटी सी उम्र में मेस्सी और रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को टक्कर दी है। जब ये बंदा मैदान में उतरता है तब हर कोई इनका नाम सुनकर खौफ जाता है। दोस्तों, किलियन एम्बापे हवा से भी तेज दौड़ते हैं। इनकी स्पीड अकॉर्डिंग टू रिसर्च 10.6 पर सेकंड है। इनके इंस्टाग्राम पर 90 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है और ये सिर्फ एक ब्रांड प्रमोशन के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी का ब्रांड प्रमोशन करने निकलोगे तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ता है और सिर्फ सोचने से कोई इंसान दुनिया में नाम नहीं कमा लेता। इसके लिए एम्बापे, रोनाल्डो और मेस्सी की तरह दिन रात स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर दुनिया में ये मुकाम हासिल होता है। जब एम्बापे ने मोरक्को की टीम को हराया था तब उन्होंने उनकी टीम के खिलाड़ी अशरफ हकीमी को टैग करते हुए ट्विटर पे ये लिखा था, डोंट बी सैड ब्रो, आप महान है, आपने जो करिश्मा किया है उसका अर्जेंटीना भी वेलकम कर रहा है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी को आपने जीत की दहलीज तक पहुंचा दी थी। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, आप बेजोड़ है, इसका एग्जाम्पल आपने कतर में दिखा दिया कि फुटबॉल के मैदान में लोग आपके नाम से खौफ खाते हैं। अब वर्ल्ड कप में आपको 4 साल बाद अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। आप 4 साल तक खुद को और निखारिए और मजबूती के साथ मैदान में उतरिए, किस्मत आपके साथ जरूर होगी। आप हार भले ही गए हो लेकिन पूरी फुटबॉल की दुनिया आपके परफॉर्मेंस को याद कर रही है और करती रहेगी। टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल के लिए आपको गोल्डन बूट भी दिया गया। आज आप हारे हैं, कल जीतेंगे ये हमें भरोसा है। सुब्रो, डोंट बी सैड, ये एम्बापे का ट्वीट था। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि एम्बापे सफल होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। इस ट्वीट से हमें सीख मिलती है कि ये जिंदगी भी एक खेल है, यहाँ हार जीत तो चलती रहती है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हार मत मानना। वो जिंदगी क्या जिसमें चुनौती ही ना हो, यार तारा भी तो टूटता है लेकिन फिर भी उसकी जगह ऊपर आसमान पे होती है। कहने का मतलब, आप जिंदगी में चाहे कितनी बार गिरे, टूटे, हारे, लेकिन तुम हार मत माना क्योंकि तुम्हारी जगह आसमान पे है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, छोड़कर अब सहारे को भरोसा खुद पर लिया मैंने, दम तोड़ चुकी थी जो मुझ में कही उस उम्मीद को फिर से जिंदा कर लिया मैंने, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे, चाहे तपते पथ पर पाँव मेरे जलकर डगमग डगमग होते हो, चलना छूट जाए तो क्या मैं रेंगना नहीं छोड़ूंगा, मंजिल पर पहुंच कर ही दहाड़ूंगा लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।